नमस्कार मिथिला मस्तिष्क में आपका स्वागत है। मैं मनोज। सबसे बड़ी खबर मिथिला मस्तिष्क ब्रेक कर रही है आपको लगातार मिथिला मस्तिष्क हर घंटे अपडेट आपको दिखा रही है। विकास और विकास के साथ साथ हम लोगों ने आम लोगों के साथ भी संपर्क बना के रखा और लॉकडाउन के समय कोरोना के समय जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सीधा हम लोगों को अनाज दिया, पैसा दिया, गैस दिया और बाढ़ के समय 6-6 हज़ार रुपये खाता में डाला गया और लगातार विकास जो बिहार में हुआ, आम लोग जो 15 साल पहले का जंगल राज था उसके आहट से ही उनको भय होता था, किस प्रकार अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, किस प्रकार समाज के सभी से भयादुहन होता था, रंगदारी मांगी जाती थी, तो आम लोग जंगल राज की आहट से ही जो है भयाक्रांत होते थे। महिला वोटर का कितना? महिला वोटर सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, महिलाओं का विशेष, महिलाओं ने विशेष बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सेदारी ली और जनता का आशीर्वाद मिला। हम लोग जो भी काम बाकी है वो एक एक काम पूरे करें। पिछले 3-4 हम लोग तो निश्चिंत थे, हम लोग तो निश्चिंत थे कि सरकार बन रही है, आम जनता किसी हालत में भी 15 साल पहले के जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप लोग माहौल बना रहे थे। आप प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहेंगे? तो ठीक है, क्या कहेंगे, उनको जनता ने नकार दिया क्योंकि वो जंगल राज के पोषक थे और हम लोग विकास के पोषक थे और हमारे शासन में अपराध और अपराधियों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जा रहा था और वो जिस गठबंधन को लेकर आ रहे थे वहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। जनता का आशीर्वाद है, गठबंधन और पार्टी के कार्यकर्ताओं का की मेहनत है, तो निश्चित रूप से और आम जनता का जो प्यार मोहब्बत मिला है, लगातार 5वीं बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है दरभंगा विधानसभा की सेवा के लिए। जो काम बाकी है वो सारा काम हम लोग पूरा करेंगे और जनता ने जो फिर से विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे और बिहार में भी NDA की सरकार बन रही है और दरभंगा भी मुझे लगता है 1-2 सीट छोड़कर सभी सीट पर NDA जो है जीत का परचम लहरा रही है। आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है NDA को, पुनः नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन के समय और समय जो काम किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो काम किया, निश्चित रूप से आम लोगों का जो हम लोग घूमते थे क्षेत्र में आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित रूप से फिर से 5वीं बार मुझे काम करने का आशीर्वाद दरभंगा की जनता ने दिया है, दरभंगा के मतदाताओं ने दिया है, या कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लगभग 11,000 से ऊपर वोट, जो पिछली बार मैं जितना वोट से जीता था उससे ज्यादा वोटों से मुझे श्रेय मिली। ये जो चुपचाप किस तरह बार मंत्री बनेंगे आप, वो तो पार्टी का जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानता है, पार्टी का जो निर्णय हो। जनता ने हमारे काम पे हमको लगता है कि मुहर लगा दिया है, उन सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन चूंकि गिनती अभी जारी है इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं। लेकिन NDA की बढ़त है, होना ही था, तो मैंने पहले भी कहा था कि दरभंगा इस बार NDA का होगा, बिहार NDA का होगा, ये तो मैंने पहले भी कहा था और इस जो कहा वो हुआ। लगातार आप काफी बढ़त में हैं। मुझे मालूम नहीं, मैं अभी घुस ही रहा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, जब गिनती स्थल पर जाऊंगा तो पता चलेगा मेरी कितनी बढ़त है, लेकिन जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चल रहा है कि बढ़त बहुत नाराजगी है। का आशीर्वाद है मेरे साथ, हमको यकीन है कि जब रिजल्ट कंप्लीट होगा तो एक निर्णायक बढ़त के साथ जाले की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और हम जीतने में सफल। वर्तमान लगभग 6,000 मतों से मुझे बताया गया है कि आप कितने राउंड में, ये 16 राउंड हो चुके, कितना राउंड बाकी है? 16 राउंड अभी और होना। रिजल्ट हम लोगों को पूर्व से ही पता था, चूँकि NDA इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही थी कि सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे, ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, पूरे NDA कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कितना से कितना से उम्मीद है? अभी तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन क्या आ गया फाइनल आंकड़ा आपके पास?
इस जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? मोबाइल पीछे कीजिए ना सर, कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे एकदम। डॉक्टर अशोक यादव जो हमारे सांसद हैं और हुकुमदेव यादव जी जो हमारे पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अभिभावक रह चुके हैं, अच्छा ठीक है भैया, परचम लहराने लगते हैं पहले उमर ऋषि कॉलेज में एक बार फाइनल में जी आप जीत गए हैं। आप हाँ, आप लगभग आपकी जीत है, आप जीत चुके हैं, क्या बताएंगे? मुरारी मोहन झा भैया, क्या लगता है पूरे दरभंगा में क्या होगा, कितने सीट चले दरभंगा का? हम देखेंगे तब। ये संघर्ष था जो खुद भ्रष्टाचार में हर समय लिप्त रहा, जब ही तक आज तक वो बाहर से आकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया और वो चला था मुझे हराने के लिए। जनता ने उसे सबक सिखा दिया, एक बार भेज दिया धनबाद, फिर यहाँ आ गया। फिर उनके लिए ये मैसेज है कि वह बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध कर ले दें। अब उनके लिए उनको यहाँ पर, अब दरभंगा का बेटा यहाँ लड़ेगा, दरभंगा के बाहर वाले के लिए उसकी जगह नहीं है। संजय झा जीव है तो मतलब मेहनत क्यों नहीं करते? नीतीश मोदी और जनता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। महिला वोट कितना कारगर रहा? महिला तो वोट है ही, तभी ना हम लोग ये इस स्थिति में आए हैं। ये चुपचाप का जो अति था किसके तरफ गया? चुपचाप वोट, वोटर कोई चुपचाप नहीं था, सब वोट अपने आप में खुला हुआ था। लोग को समझने में गड़बड़ी थी, वह लोग नहीं समझ पा रहे थे, मतलब मतदाता नहीं कर रहे थे, जो कंफ्यूज होना चाह रहे थे उनको कंफ्यूज कर रहे थे। मुझे पहला दिन से आपसे तो हमारी मित्रता है, आपसे तो मेरी बात होती थी, मैं कहता था कि जनता मन बना चुकी हुई है, वो देने के लिए तैयार है। वो ये जो आप मीडिया वाले जो कुछ दो दिन से जो हंगामा किए, तो आपको मैं एक वीडियो वायरल कर दे सकता हूँ। एक 9 साल का बच्चा वो भगवान के नज़दीक में मांगने लगा कि काश हम लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़े। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी हम लगता है 10-11 हज़ार वोट से हम लोग जीतेंगे। ठीक।